हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SVM की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है पंजाबी। पंजाबी में हम 11th क्लास करेंगे। साधना दी सादगी दी मूरत भगत तन्ना जी। अपा भगत तन्ना जी कौन सी, कितने रहिंदे सी, ते उन्हां दे पूरा जिहड़ा परिचय है वो अपा पढ़ांगे। तो ठीक है, जिवें मैं शुरू कर रही हाँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरुआं दी बाणी नाल पट साहिबान गुरु जी दे घर निकटवर्ती सिखां दे 15 भगतां दी बाणी विच शामिल की गई है। कहिंदे जिहड़ी साधना दे सादगी दी मूरत, सादगी हुंदा सिंपल, साधना भगती भाव, मूरत मतलब महान हस्ती। कहिंदे साधना दे सादगी दी मूरत जिहड़े सी ओह सी भगत धन्ना जी। भारत साहिबाना विच्चों दो भगत राजस्थान दे हन, भगत पिपा जी ते भगत तन्ना जी। कहिंदे कि जिहड़े राजस्थान दे दो महान मूर्सी, एक पहला तां सी भगत पिपा जी ते दूजा सीगा तन्ना जी। भगत पिपा जी गग गुनरौर रियासत दे हुकम सन दे, पर तन्ना जी एक किसान सन। कहिंदे कि दो जिहड़े साधना जी जिहड़े मूर्त सी, पहला तां सीगा पिपा जी ते दूजा सी भगत तन्ना जी। ओह जिहड़े तन्ना जी सी ओह इक किसान सन, उन्हां दी रोजी रोटी दा वसीला खेती ते पशु पालन सी। कहिंदे कि जिहड़ा उन्हां दा जिहड़ा धंधा सी ओह इक खेतीबाड़ी ते पशु पालन नाल ही हुंदा सी। तन्ना दी जिंदगी दे बारे बहुती जानकारी नहीं है। कहिंदे कि जिहड़े भगत तन्ना सी ओह कि राजस्थान विच उन्हां दा जन्म होया ते उन्हां दे ओह महान साधना दी मूर्त सी, ते उन्हां दा जिहड़ा अपना वसीला सी ओह अपनी जिवें रोजी रोटी जी जिहड़ी व्यवस्था सी उन्हां दे पशु पालन नाल ते खेती नाल सी, ओह इक किसान सी। तन्ना दी जिंदगी तां बहुते कहिंदे आ कि भी उन्हां दी जिहड़ी जिंदगी दा आपां नूं ज़्यादा कुछ इन्ना जानकारी तां है नहीं, पर फिर भी कुछ उन्हां दी जिहड़े आपां नूं कुछ जिहड़े भी विचार आपां नूं मिले हन ते उन्हां दे विचार दित्ते आ, ते कुछ ना कुछ उन्हां दी जिहड़ी व्याख्या आपां नूं दित्ती हुई है। भाई कान सिंह नाभा महान कोश अनुसार भगत जी जन्म 1416 ईस्वी राजस्थान के जिला टोंक पिंड धूआ कला विच होया। अब उन्हां दा कहिंदे आ कि भी उन्हां दा जन्म कित्थे होया, राजस्थान। जन्म होया सी 1416 ईस्वी विच राजस्थान जिला टोंक पिंड धूआ कला विच होया। भगत जी दे पिता दा नाम भोला जी ते माता जी दा नाम तन्नो सी। ठीक है, पिंड धूआ कला दे रकबे अंदर भगत जी खेत भी सन। कहिंदे कि उन्हां दे माता पिता दा नाम तुहानू दस्सिया ही है, ते कहिंदे उन्हां दा जिहड़ा इक धूआ कला विच जिहड़ा इक उन्हां दा खेत सी। ठीक है, उत्थे उन्हां नू याद विच इक मंदिर बनाया होया। कहिंदे कि जिथे ओह अपने खेतीबाड़ी करदे सी, अज उन्हां दी याद विच इक मंदिर बनाया होया है। कहिंदे हन कि जिथे मंदिर है उत्थे इक थड़ा हुंदा है। थड़ा मतलब जिवें आपां मिट्टी, जिवें अपने दरगाह वगैरह हुंदे आ उसे तां थड़ा हुंदा जिवें मिट्टी दा। जिथे खेतां च कम करदे समय पशु चराउंदे समय भगत धन्ना जी भगती अते आराम करिया करदे सन। कहिंदे कि जिथे उन्हां दा अज जिहड़ा खेत है उत्थे उन्हां दा थड़ा बणिया होया, मतलब मंदिर बना दित्ता। ते जिथे ओह मतलब जदों मतलब खेतां च कम करदे सी, पशु चारदे सी, ते मतलब उत्थे ही ज़्यादातर अपने भगती भाव विच ओह जिहड़े आ लीन रहिंदे सी, ते मतलब उत्थे ही ओह मतलब आराम भी कर लैंदे ते भगती भाव भी करदे सी। ते खेत विच खूह मतलब कुआं हुंदा सी जिहड़ा अज भी उत्थे मौजूद हन। थोड़े साल पहला संत लखा सिंह सरहाली वालिया भगत तन्ना जी की याद विच उत्थे एक गुरुद्वारा साहिब बनाया गया। कहिंदे कि थोड़े साल पिछों बाद की किया भी उन्हां दी जिहड़ी याद विच एक छोटा जिहा जिहड़ा गुरुद्वारा बनाया गया। संतां दी इच्छा दी गुरुआं भगत जी दे जमीन विच बने, पर यह जमीन संभाई करदी आसे पासे कई पिंडां दी पंचायत ने उस जमीन विच्चों थां देण तो ना कर दित्ती। कहिंदे कि भी जिहड़ी उन्हां दी जिहड़ी जमीन सी, ते जिवें कई पंचायतां विच उन्हां दी जिहड़ी जमीन आउंदी सी, ते उन्हां दी पंचायत ने जिहड़ी उन्हां दी जमीन की है देण तो इनकार कर दित्ता। उस जमीन ते बिल्कुल नाल लगदी जमीन महंगे भाव खरीद के
उत्थे गुरद्वारा साहिब की उसारी करवाई। कहिंदे कि जिहड़े ओह पिंड विच जिहड़े रहिंदे सी उहनां दे जिहड़े संतां ने की है उहदे नाल दी लगदी जमीन नूं मतलब भारी रकम नाल खरीद के उहनां दी याद विच इक छोटा जिहा जिहड़ा गुरद्वारा है उह बना दित्ता, जिथे हुण साल भगत धन्ना जी दे जन्म दिन बड़ी धूमताल नाल मनाया जांदा है। जदों इस इलाके विच बिसलपुर बण डैम बनिया, सिंचाई लई उस इलाके विच नहरां कढ़ियां गईयां, एक कसी भगत सिंह खेत विच बनी तां उहनां दे खेत दा कुछ हिस्सा बण के गुरद्वारा साहिब वल रह गया। धन्ना जी खूह विच हिस्से विच सन ते उह पंचायत उस जगह धन्ना दी याद विच बने गुरद्वारे प्रबंधकां नूं सौंप दित्ता है। ज़िला जयपुर तहसील फागी विच चोरू नां दे इक पिंड है, उत्थे लोकां दा यकीन ते कहना है भगत धन्ना जी चोरू पिंड विच पैदा होए। कहिंदे कि जिहड़े चोरू पिंड दे जिहड़े भी जिन्ने भी लोक है उह कहिंदे है कि जिहड़े भगत धन्ना सिंह सी उह चोरू पिंड विच उहनां दा जन्म होया। उत्थे भी हुण उहनां दी याद विच गुरद्वारा जिहड़ा कि है बनाया गया। पिंड वालियां वल्लों एक मंदिर विधि भी उसारी हुई ते संभव है कि पहला धन्ना जी वडेरे उत्थे ही रहिंदे रहे हन, हुण फिर इत्थे धूआं कला चले गए हुण चोरू उन्हां दा नानका पिंड होवेगा। मतलब सारा मतलब कोई कुछ कहिंदा, कोई कहिंदा कि उन्हां दा पिंड होवेगा, कोई कहिंदा कि उह जदों मतलब उन्हां दा जन्म उत्थे होया, जदों जिवें उह बुजुर्ग होण लगे तो की है चोरू कला उत्थे धूआं कला जिहड़ा उन्हां दा पिंड सी उत्थे चले गए। भगत धन्ना जी नाल बहुत सारियां साथियां जुड़ियां हन जो आले दुआले पिंडां विच प्रसिद्ध हन, कुछ सुची हो सकदी हन पर कुल लगदा है कि ज़्यादातर सरदुआलां वल्लां सरदा पक्खों बनाईयां गईयां हन। ये साखियां दर्शाउंदियां हन कि भगत जी पहलां बुत पूजा करदे होणगे ते फिर होर भगतां दी संगत केते बणी बना के सदका ते उन्हां दे ख्याल प्रवित रहे होणगे। मन बदलन च उन्हां दे होर भगतां नाल काशी जा के देखिया ते एक सर्वशक्तिमान रब दी पूजा करन लगे। श्री गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब संपादन करन वेले बाणीकार धर्म जात नहीं वेखी सगो उन्हां दी रचना वेखी। वड्डी गल इह भी है कि गुरु साहिबां ते दूसरे बाणीकारां ने इस जीवन जांच दा ढंग लोकाई नूं दस्सिया है कि आप भी उस अनुसार विचरदे हन सन। बेटा अपना ये तो इन्ना पाठ सीगा, ये अद्धा है अद्धा कल करवावांगे, उहदे च बाकी जिन्ने भी छोटे क्वेश्चन है ये तुसी अपनी अभ्यास पुस्तक विच याद करोगे। ठीक है, थैंक यू।